इंसानों की कल्पना से परे एक दृश्य देखने को मिला जब अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी लगाया गया। अमरनाथ के रहस्यों से पर्दा उठाने की इच्छा लेकर जम्मू कश्मीर का एक निवासी महेश काफी हिम्मत जुटाकर गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। गुफा बंद होने से चार दिन पहले एक साधु अमरनाथ की गुफा में चला गया। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया। लाखों भक्त बाबा का आशीर्वाद लेकर घर को लौट रहे थे, लेकिन वे साधु गुफा में ही बैठे रहे और द्वार बंद होने के बाद शिवलिंग के पास जाकर बैठ गए। गुफा बंद होने के 6 दिन बाद महेश ने सीसीटीवी में बाबा को दोबारा देखा तो गौर किया कि उनका शरीर सूख कर हो चुका था, उनके पैर गायब हो चुके थे और लग रहा था कि वो हवा में बैठे हैं। दिन व्यतीत होते चले गए, लेकिन साधु ज्यों के त्यों बैठे रहे। 3 महीने होने को आए थे और साधु का पूरा शरीर गायब हो गया था। इस घटना ने महेश की रातों की नींद उड़ा के रख दी थी। महेश खुद को रोक नहीं पाया और छानबीन करने अमरनाथ पहुंच गया। तब वहां के पुजारियों ने बताया कि गुफा बंद करने से पहले हमने अच्छे से छानबीन की थी, लेकिन गुफा में कोई था ही नहीं। ये सुनकर महेश की आंखों से आंसू निकल आए कि उसने साक्षात महादेव को देखा है। भले ही दर्शन सीसीटीवी में हुए हों, लेकिन वो दर्शन अमूल्य थे।